Hello everyone, good morning, good afternoon and good evening dear students, whenever you watching this video. So, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स एंड इसका लेक्चर नंबर 6 है. सो आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है एंथैल्पी. तो ये मैंने एक ओवरव्यू लिखा है कि एंथैल्पी में हमें ओवरऑल पढ़ना क्या क्या है. आज का लेक्चर जो होगा हमारा यहाँ से यहाँ तक होगा, इन सबको हमें पढ़ना है. तो आज का लेक्चर भी बहुत लेंदी होने वाला है एंड जो आने वाले लेक्चर होंगे ए बी सी में पार्ट्स बना देंगे, उनमें हमें इनको डिस्कस करना है. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना होगा एंथैल्पी क्या है. बेसिक बातें करेंगे कि एंथैल्पी क्या होती है, इसकी यूनिट क्या है. अगर आपको ये आता है तो थोड़ा सा स्किप करके आगे निकल जाइए, जहाँ पे हम क्या करेंगे चेंज इन एंथैल्पी देखेंगे, या फिर क्या बोल सकते हैं एंथैल्पी चेंज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसको हम मेजर नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंटली. हम नहीं बता सकते कि किसी सिस्टम में उसकी जो कंटेंट है उसकी एंथैल्पी क्या है, ये हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते. ये क्या है, नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है. लेकिन हम किसको मेजर कर सकते हैं, चेंज इन एंथैल्पी को मेजर कर सकते हैं कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई सिस्टम जाता है तो उसके दौरान जो भी चेंजेस आते हैं, मतलब कितनी एंथैल्पी में चेंज हुआ, वो हम बता सकते हैं. ओके, तो इसको एक्सपेरिमेंटली हम मेजर कर सकते हैं, इसको भी मेजर कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली. तो ये जो फॉर्मूलाज हैं उनको डिराइव करेंगे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. ठीक है, जैसे आपको कोई रिएक्शन दे दी गई एंड आपको बोला गया, कोई भी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन दी गई एंड उसमें आपको बोला गया कि इसकी एंथैल्पी चेंज बताइए. ठीक है, या फिर इनमें ये भी पूछ सकता है. ओके, तो इनके हम क्या करेंगे, इनको डिराइव करके देखेंगे आज के लेक्चर में एंड न्यूमेरिकल्स भी आज के लेक्चर में करेंगे एंड एक्सपेरिमेंट देखेंगे जो कि कैलोरीमीटर होता है वो. ठीक है, एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि इनको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, डेल्टा एच एंड डेल्टा यू को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं. मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा एच है, मतलब चेंज इन एंथैल्पी हम किससे मेजर कर सकते हैं, तो उसके लिए होता है कैलोरीमीटर. एंड डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम कैसे मेजर कर सकते हैं, तो उसके लिए होता है बॉम कैलोरीमीटर. राइट, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में. सो लेंदी वीडियो होगा एंड जो आने वाले वीडियोज हैं उनमें हम डिस्कस करेंगे वैरायटी ऑफ एंथैल्पी चेंज. डेल्टा एच मैंने लिखा है. तो देखिए, अगर हम बात करें तो हम इतने टाइप की एंथैल्पीज को पढ़ेंगे. इनमें भी बहुत टाइप की वैरायटी ऑफ एंथैल्पी चेंजेस को हमें पढ़ना है. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं चेंज ऑफ फेज, अगर फेज चेंज होती है किसी भी रिएक्शन में तो क्या होगा. जैसे कि फेज चेंज का मतलब है सॉलिड से कोई लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, वो प्रोसेस मेल्टिंग. तो उसमें एंथैल्पी क्या होगी, एंथैल्पी चेंज क्या होगा. वेपराइजेशन में क्या होगा कि मतलब कोई लिक्विड है, अगर वो चेंज हो रहा है किसमें, वेपर्स में, हम बोल सकते हैं गैसेस में, गैसेस स्टेट में, तो उसमें एंथैल्पी चेंज क्या होगा. अगर क्या हो रहा है, सब्लिमेशन का मतलब होता है कोई सॉलिड से डायरेक्टली किसमें जा रहा है, गैस में जा रहा है, तो उसके लिए जो फेज चेंज हुई, फेज चेंज हो गई. ओके, तो उसमें जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे. राइट, इस तरीके से इनको डिवाइड कर दिया गया. और भी बहुत टाइप की मैंने बोला डेल्टा एच की वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है, जैसे कि डेल्टा एच एफ, जिसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ठीक है, एफ से मतलब फॉर्मेशन. जब देते हैं डेल्टा एच सी, इसका मतलब है एंथैल्पी ऑफ कंबशन. जब कुछ जो कंबशन की रिएक्शंस होती हैं तो उनको हम देखेंगे. तो यहां से हमारी थर्मोकेमिस्ट्री शुरू हो जाती है, थर्मोकेमिस्ट्री. नेक्स्ट लेक्चर से यहाँ से हमारी थर्मोकेमिस्ट्री शुरुआत हो जाएगी इसकी. इसमें हम रिएक्शंस के थ्रू डेल्टा एच को कैलकुलेट करेंगे. ओके, जिसमें डिफरेंट टाइप की डेल्टा एच होंगी, डेल्टा एच एफ, डेल्टा एच सी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, और भी हो सकती हैं, अदर में आती हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड जिसके ऊपर हमने लगा दिया ये नॉट, डेल्टा एच सी नॉट. ओके, डेल्टा एच ए नॉट मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. इसी तरीके से बॉन्ड एंथैल्पी, जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसकी क्या एंथैल्पी होगी. लैटिस एंथैल्पी, जब कोई लैटिस फॉर्म होता है तो उसकी क्या एंथैल्पी होती है. तो इस तरीके से बहुत तरीके की हमें एंथैल्पीज को पढ़ना है, बहुत डिटेल वीडियोज होंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, जिसमें हमें डिस्कस करना है बेसिक बातें एंड ये सब. ओके, सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी. तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए एंथैल्पी क्या है. ठीक है, एंथैल्पी क्या होती है, इसको देख लेते हैं एंथैल्पी क्या होती है. तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं. एंथैल्पी क्या है, हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. देखिए, एंथैल्पी क्या होती है, किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी क्या होगी,
उसके अंदर जो उसका जो हीट कंटेंट होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, या फिर हम बोल सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, जो उसके अंदर हीट कंटेंट होगा वही उसके अंदर एंथैल्पी हो जाएगी। अब जहाँ पे आपको कांस्टेंट प्रेशर पता चले, इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्शन हो रही है, जो सिस्टम है हमारा, ठीक है, वो कैसा है, ओपन वेसल है, ओपन वेसल है। कांस्टेंट प्रेशर है, इसका मतलब कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि कांस्टेंट है, राइट। तो हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो कोई रिएक्शन हो रही है, जो कोई सिस्टम है, उसको ही उसकी अगर हम हीट कंटेंट मेजर कर लेते हैं तो वो क्या हो जाएगी, उसकी एंथैल्पी होगी, ठीक है। अब देखिए इसको हम लिख कैसे सकते हैं, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, ओके, यू होता है। अब देखिए ये यू क्या है, यहाँ पे यू है इंटरनल एनर्जी, काफी जगह आपको ई भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, या फिर यू भी मिल सकता है, तो वो एक ही बात है, इंटरनल एनर्जी। अब देखिए ये वॉल्यूम, ये क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर, ओके। अब देखो ये क्या है, एंथैल्पी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मेरे पास ये कोई सैंपल है, ठीक है, ये एक सिस्टम है, मैं आपको बोलती हूँ कि आप इसकी एंथैल्पी कैलकुलेट करके मुझे बताइए, मेजर करके बताइए एक्सपेरिमेंटली, तो आपको कितने भी दिन लग जाएं, कितने भी दिन, महीने, साल बीत जाएं, लेकिन आप इसकी एंथैल्पी को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली तो आप मेजर कर ही नहीं सकते। तो हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ क्या है, कुछ बातें कॉपी पेन पे लेके ही हमें पढ़नी होती हैं, ठीक है, ठीके? तो इसलिए हमें एंथैल्पी का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। रोल किसका है, चेंज इन एंथैल्पी का है। अगर आप इसकी एंथैल्पी मेजर करोगे तो वो आप नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हो, लेकिन आप कर सकते हो डेल्टा एच की वैल्यू मेजर कर सकते हो। मतलब क्या हुआ, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है, ये आप मेजर कर सकते हो। कब कर सकते हो, जब कांस्टेंट प्रेशर हो उसके बेस पे आप इसको मेजर कर सकते हो कि इसका जो जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो ये होगा, एंड उसका कांस्टेंट प्रेशर है वो ये होगा, उसका वॉल्यूम ये है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, डेल्टा एच की वैल्यू आप मेजर कर सकते हैं, बट एच की वैल्यू मतलब एंथैल्पी आप मेजर नहीं कर सकते, समझ रहे हो। तो ये एक तरीके से हम डायरेक्टली हम इसको मेजर नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटली हम मेजर नहीं कर सकते, हम डेल्टा एच की वैल्यू ही मेजर करेंगे, एंड यही बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज इन एंथैल्पी यही इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे हैं। तो चलिए अब हम इसकी यूनिट की बात करें, तो वही एनर्जी, एनर्जी की टर्म है एंथैल्पी, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल होगी, ठीक है, इसको किलो जूल में भी लेते हैं, किलो जूल पर मोल, राइट। एंड इसका ये क्या है, चलिए कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहला तो ये क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन, कैसे स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन का मतलब समझते हैं, स्टेट फंक्शन का मतलब होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करे, जो पाथ होता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करे। जैसे एक स्टेट है हमारे पास, ठीक है, कोई सिस्टम है जिसकी ये एक स्टेट है, स्टेट ए, जब ये किसी प्रोसेस के थ्रू दूसरी स्टेट में जाता है बी में, तो ये उसके मतलब क्या है कि ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया, तो ये डिपेंड करेगी ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे कि इंटरनल जो एंथैल्पी है, सॉरी, उसमें चेंज क्या हुआ। आपको ये नहीं पता होगा कि यहाँ पे एंथैल्पी क्या है, यहाँ पे एंथैल्पी क्या है, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि एंथैल्पी में चेंज कितना हुआ, ओके, एंथैल्पी में चेंज कितना हुआ ये आप बता सकते हैं, ओके। तो ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, कि आप किस रास्ते से होके इस बी पॉइंट पे पहुंचे या फिर ए पॉइंट पे आए, राइट। तो ये पाथ इंडिपेंडेंट है, ओके, किस पे डिपेंड करती है, स्टेट पे डिपेंड करती है। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर, इसके फॉर्मूला में जो यू है इंटरनल एनर्जी, यू यू पी वी, ये सारे के सारे क्या हैं, स्टेट फंक्शन है, इसलिए ये इनके ऊपर डिपेंड करती है, तो ये भी क्या हो गई, एक स्टेट फंक्शन हो गई, राइट। एक और पॉइंट लिख लेते हैं, अब देखिए ये क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी,
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, हीट कंटेंट किसी भी सिस्टम का बात करें, वो भी ओपन सिस्टम है, तो जिसका हीट कंटेंट ज़्यादा होगा, मतलब जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका हीट कंटेंट भी ज़्यादा होगा। मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है, एंथैल्पी किसके ऊपर डिपेंड करती है, अमाउंट के ऊपर, ठीक है, इसलिए ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा उसकी एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी, जिसके अंदर कम अमाउंट होगा तो उसकी एंथैल्पी भी कम होगी, राइट। एक और पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि साइक्लिक प्रोसेस जो होता है उसकी डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो होगी, ठीक है, कैसे, मतलब चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, जीरो। अब देखिए, जैसे हमारा कोई, हमारे पास कोई ये प्रोसेस हो रहा है कि हमारा सिस्टम यहाँ से चला इस तरीके से, ए स्टेट बी, फिर ये यहाँ से सी में गया, सी से डी में गया, एंड डी से अगेन ये ए में आया। तो अब आप देखिए साइक्लिक प्रोसेस में इसका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या है, एक ही है, ओके, यहीं से चला और वापस से घूम के सिस्टम यहीं पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज इन एंथैल्पी जीरो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इसके पास इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट एक ही है, ए, ओके, तो साइक्लिक सिस्टम के लिए, साइक्लिक प्रोसेस के लिए सॉरी, डेल्टा एच की वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि इसमें स्टेट जो होती है, स्टेट इनिशियल, हम बोल सकते हैं इनिशियल एंड फाइनल स्टेट क्या होती है, सेम होती है, ओके, तो इसलिए चेंज इन एंथैल्पी भी जीरो हो जाएगी, ओके, तो हमारे लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम देखेंगे डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम देख लेते हैं कि चेंज इन एंथैल्पी क्या होती है, इसको मेजर कैसे करते हैं। देखिए एंथैल्पी क्या है, U प्लस पी वी, ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा एच अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, इसकी जगह आप ई भी लिख सकते हैं, ओके, मैं यहाँ पे यू लिख रही हूँ, प्लस डेल्टा पी वी, अगर हम इसको टोटल डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ओके, तो ये एक हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरा फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, जैसे डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, आप क्या कर सकते हैं, इसको एक बार कांस्टेंट रख दीजिए एंड इसको इसके साथ डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं पी डेल्टा वी, ओके, तो ये हमारे पास आ गया दूसरा फॉर्मूला। ये कब यूज करेंगे, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है, जब आपके पास इंटरनल एनर्जी में चेंज गिवन है, ये क्या है, इंटरनल एनर्जी चेंज, जब आपके पास वॉल्यूम चेंज दिया हुआ है डेल्टा वी एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर है और आपको बोला जाता है कि डेल एच की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके, तो इसी से हमें बहुत सारे फॉर्मूलाज बनाने हैं, इसी से जो फर्स्ट वाला है इससे ही हम और भी फॉर्मूलाज को डिराइव कर सकते हैं। इस तरीके से हम एक और फॉर्मूला इसे डिराइव कर सकते हैं, कैसे, जैसे कि डेल्टा एच, ये फॉर्मूला है हमारे पास, इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, ये है, ओके, तो इसको हम एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा यू प्लस, देखिए हमारे पास क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू इज इक्वल टू पी वी लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, ओके, डेल्टा है ना, डेल्टा पी वी, इसका मतलब पी वी की जगह हम पी वन वी वन या पी टू वी टू लिख सकते हैं एंड डेल्टा की जगह मतलब इसमें से माइनस कर देंगे, राइट, मतलब चेंज हो रहा है, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम, तो ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे व्हेन प्रेशर एंड वॉल्यूम आर वेरिएबल, जब ये दोनों वेरिएबल हो, मतलब कांस्टेंट नहीं हो, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो फॉर्मूला नंबर हमारे पास आ गया 3, ओके, ये फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। अब देखो इसी को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, इसको ही यहाँ पे अगर हम बात करें, एक तो हमने लिख लिया कि इसको प्रेशर को कांस्टेंट किया एंड वॉल्यूम को
चेंज कर दिया, ओके इसको डिफरेंशिएट कर दिया। एक दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, इसको मैं साफ करती हूँ। एक तो हमारा तरीका हो गया डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, इसको हमने कॉन्स्टेंट रखा पी एंड डेल्टा पी, ऐसे लिख लिया, ओके ये वाला फॉर्मूला आ गया। दूसरा इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, इसको कॉन्स्टेंट रख लेते हैं एंड इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ओके तो यहाँ पे फॉर्मूला, इसी से हमने फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूलाज बनाए, इसी से हमने ये वाला फॉर्मूला बनाया, राइट समझ पा रहे इस चीज को। अब देखिए इसमें क्या है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ओके इसमें क्या है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो ये किस पे है, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, क्या निकाल सकते हैं डेल्टा एच एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा एच एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला। इसी से हमने ये वाला फॉर्मूला निकाला, जब हमारे पास ये दोनों ही कॉन्स्टेंट नहीं है, दोनों ही वेरिएबल हैं, तो हम इनके जो फाइनल स्टेट मान लीजिए टू है, ठीक है तो पी टू लगा देंगे प्रेशर के लिए एंड वॉल्यूम के लिए वी टू लगा देंगे एंड प्रेशर जो इनिशियल स्टेट है वो वन वन लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा पीवी की वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूलाज आ गए, ओके। अब देखिए हमें ये देखना है कि इसको आप एक बार नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है कि जो, फटाफट नोट कर लीजिए, नीचे शुरुआत करते हैं। देखिए अब आपको ये समझना है कि जो डेल्टा एच होती है, मतलब एंथैल्पी की हमें जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ ई सॉरी एच कि एंथैल्पी की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी, जैसे कि हमने एनर्जी का एक और टर्म देखी है इंटरनल एनर्जी, तो उसमें हमने पढ़ा है डेल्टा यू, इसको पढ़ा है। ये क्या है, अगर इसके डेफिनेशन की बात करें हम, तो ये होती है हीट कंटेंट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ओके। अब ये कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, हमारे पास जो भी सिस्टम होगा, जो भी रिएक्शन हो रही है वो किस में होगी, एक क्लोज्ड वेसल में होगी, क्लोज्ड वेसल में ये रिएक्शन होगी जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, दैट मीन्स डेल्टा वी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन वॉल्यूम अगर जीरो है, दैट मीन्स वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उस प्रोसेस में जो हीट होगी इस सिस्टम की, जो हीट होगी वही हो जाएगी उसकी इंटरनल एनर्जी। तो हम बता सकते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैसेस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए कि जो आइडियल गैसेस होती हैं उनके लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आइसोथर्मल सिस्टम आ गया, मतलब फॉर आइसोथर्मल सिस्टम, किसकी बात करें, आइडियल गैसेस की, उनके लिए क्या हो जाएगा, डेल यू की वैल्यू, डेल यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्यों, क्यों हो जाएगी जीरो, क्योंकि डेल्टा टी क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब टेम्परेचर क्या है आइसोथर्मल में, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर, कोई चेंज हो ही नहीं रहा, तो वो जीरो हो गया। जब ये जीरो है
तो मतलब डेल्टा यू भी जीरो होगा. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर के ऊपर, कि ये जो सिस्टम है इसमें कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि क्लोज है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा. तो इस टाइम में इसके पास जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी? इंटरनल एनर्जी होगी. किसके ऊपर डिपेंड करेगी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ओके, मतलब इसके अंदर जो हीट कंटेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा? टेम्परेचर की वजह से. अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी कहाँ से चेंज होगी? आप पता ही नहीं कर सकते कितनी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई. इसलिए टेम्परेचर अगर कॉन्स्टेंट मिल जाता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में चेंज होना, टेम्परेचर में चेंज होगा तभी वो चेंज हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा. समझ गए इस बात को? तो अब हम बात कर रहे थे कि डेल्टा एच की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, मतलब एच की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, ठीक है. तो ये तो है हमारे पास, हम डेल्टा एच लिख लेते हैं, एंथैल्पी की हमें रिक्वायरमेंट क्यों हुई. तो डेल्टा एच, तो डेल्टा यू तो क्या है? हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. ध्यान से समझ लीजिए इस चीज को, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे ये सारा काम हो रहा है. बट डेल्टा एच की अगर आपने डेफिनेशन देखी है, मतलब एंथैल्पी की, तो क्या है? हीट कंटेंट, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर की मतलब जो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे जो रिएक्शन हो रही है, जो सिस्टम है, उसका हीट कंटेंट क्या होता है? एंथैल्पी चेंज. तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो क्लोज सिस्टम है उसमें केमिकल रिएक्शंस नहीं होती हैं. अब आप लैब में जाते हैं, ठीक है, जब आप लैब में जाते हैं तो आप किसको यूज़ करते हैं? आपने देखा होगा लैब में तो गए होंगे सभी, तो जो लैब में जाते हैं तो वहाँ पे आपको मिलती है टेस्ट ट्यूब देखने को मिलती है, फ्लास्क देखने को मिलता है, उसी में रिएक्शंस करवाते हैं, केमिकल रिएक्शंस. तो ये जो है डेल्टा यू तो क्लोज सिस्टम में हो रहा है, इसलिए हमें उसकी जो एनर्जी होगी, हम बोल सकते हैं उसका हीट कंटेंट होगा, वो हर कोई रिएक्शन, जो भी कोई भी रिएक्शन होगी तो उसके लिए हम वो मेजर नहीं कर सकते. समझ इस बात को कि मतलब कि जो डेल्टा यू है वो कब काम करता है? जब ये सिस्टम क्लोज है. लेकिन सभी की सभी केमिकल रिएक्शंस क्लोज सिस्टम में, क्लोज वेसल में नहीं हो सकती, इसलिए हम उनकी जो हीट कंटेंट है उसको मेजर नहीं कर सकते. इसलिए हमें जरूरत पड़ी किसकी? एंथैल्पी की, क्योंकि ये ओपन सिस्टम में होता है. ठीक है, ओपन सिस्टम क्या मतलब? मैंने अभी क्या बोला, पहली लाइन क्या बताई थी आपको स्टार्टिंग में, कि कॉन्स्टेंट प्रेशर है, इसका मतलब ओपन वेसल है. ठीक है, ओपन वेसल है तभी तो एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा. ये प्रेशर जो क्या होगा, एटमोस्फेयर से जो प्रेशर मिला वो कॉन्स्टेंट प्रेशर हो रहा है, राइट. उसमें जो आपकी लैब में जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वही उसका कॉन्स्टेंट प्रेशर हो जाएगा. तो ये ओपन वेसल में होगा, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में मतलब अबाउट 95%, ठीक है, जो भी रिएक्शंस होती हैं वो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे ही होती हैं. ठीक है, ये तो बहुत ही कम है, मतलब जो केमिकल रिएक्शंस होंगी वो किस पे होंगी? कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर, ओपन वेसल में. आपने अच्छे से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं क्योंकि आप लैब में करते होंगे रिएक्शंस को. तो ये कहाँ पे होती हैं? एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. ओके, समझ में आया. अब हम इनको मेजरमेंट, इनका मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं एक्सपेरिमेंटली, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है. तो अब हम देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटली हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, मतलब चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली. तो जो एक्सपेरिमेंट होता है, जिसके थ्रू जो टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम इनको मेजर करते हैं, तो उसको बोलते हैं कैलोरीमेट्री. ठीक है, जिसके थ्रू हम इसको मेजर करेंगे वो क्या होगा? कैलोरीमेट्री. एंड ये जो जिस वेसल के अंदर होता है, जिस वेसल के अंदर हम रिएक्शन करवाते हैं उसको बोलते हैं कैलोरीमीटर. अब देखिए, जब डेल्टा एच होता है उसको मेजर करने के लिए क्या कंडीशन होती है? कि कॉन्स्टेंट प्रेशर होना चाहिए. इसका मतलब क्या होगा? कॉन्स्टेंट प्रेशर होगा, इसका मतलब ओपन वेसल होगा, राइट. जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बनाया है, ओपन वेसल होगा. ये कब होता है? एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, जिसको हम, ये जो ओपन वेसल है जिसमें हम रिएक्शन करवा रहे हैं इसको हम बोल रहे हैं कैलोरीमीटर. जो टेक्निक है उसको हम बोलते हैं कैलोरीमेट्री. तो ये होता है ओपन वेसल में, ये एक रिएक्शन मिक्सचर है. ओके,
अब इस सिस्टम में जब हीट चेंज होता है, ठीक है, जब ये रिएक्शन होती है, रिएक्शन मिक्सचर है, ये एक कंटेनर है, ओपन वेसल, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कंटेनर, इसको बोल रहे हैं कैलोरीमीटर। ये किसका बना हुआ है? फोम ऑफ पॉलीस्टायरीन, पॉलीस्टायरीन, ओके, इसका, इस मटेरियल का ये बना हुआ है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, थर्मामीटर लगा देते हैं। ये क्या है? थर्मामीटर। तो जो भी, जैसे जो ये रिएक्शन होगी कांस्टेंट प्रेशर पे, तो उस टाइम में जो इसमें चेंज आएगा टेम्परेचर में, जो चेंज होगा, ठीक है, टेम्परेचर का डिफरेंस देख लेंगे कि चेंज कितना हुआ टेम्परेचर में, हम मेजर कर लेंगे टेम्परेचर इसके थ्रू। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हीट एब्जॉर्ब की जाती है। जब हीट एब्जॉर्ब की जाती है, बाय द सिस्टम, तो उसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं, डेल क्यू, जो होगा, जो क्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे उसकी, ठीक है, क्यू की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। जब क्या होगा, एंड इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा एच जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। मतलब कौन सी रिएक्शन हुई ये, जब एब्जॉर्ब की जाती है हीट बाय द सिस्टम, मतलब इसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो क्या हुआ, मतलब जो हीट है वो एब्जॉर्ब की गई बाय द सिस्टम, एंड जो रिएक्शन हुई वो कैसे हुई, एंडोथर्मिक, ओके, एंडोथर्मिक। एंड जब हीट रिलीज की जाती है या फिर हीट का लॉस होता है बाय द सिस्टम, तो क्या होगा, क्यू की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। क्यू हम क्या लेंगे, नेगेटिव वैल्यू लेंगे, इसका मतलब क्यू पी लिख लेती हूँ मैं, ठीक है, जो डेल्टा एच होगा उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। जब हीट रिलीज की जा रही किसी सिस्टम के थ्रू, तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू नेगेटिव हम लेंगे, ठीक है। तो ये है कैलोरीमीटर, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हीट को मेजर करते हैं, किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। जो हीट कंटेंट होगा एट कांस्टेंट प्रेशर, वही हो जाएगी चेंज इन एंथैल्पी। अब हम बात करते हैं दूसरे, जो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये हमने दो कंडीशन पे, एक तो कांस्टेंट प्रेशर जो कि हमने देखा, दूसरा डेल यू को हम मेजर करते हैं, डेल्टा यू को मेजर करते हैं, कब, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, किसको मेजर करते हैं, डेल्टा यू को, ओके। तो मेजरमेंट के, एनर्जी के मेजरमेंट के दो तरीके हो गए, डेल्टा एच एंड डेल्टा यू के, डेल्टा एच को एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा यू को एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके। तो यहाँ पे जब कांस्टेंट वॉल्यूम कब होगा, जब ये जो सिस्टम होगा वो क्लोज होगा, पूरी तरीके से सील्ड सिस्टम होगा, इसका मतलब जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट होगा, दैट मीन्स डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, मतलब कोई भी चेंज वॉल्यूम में नहीं होगा, सो डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, मतलब कोई भी वर्क डन नहीं होगा। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, पी डेल वी, ओके, पी एक्स एंड डेल्टा वी, यही है, तो ये जीरो, तो ये पूरी की पूरी टर्म ही जीरो हो जाएगी, समझ पा रहे हैं। तो अब इसको समझ लेते हैं, इसको हम बोलते हैं बोम कैलोरी मीटर, जिसमें वॉल्यूम क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, बोम कैलोरी मीटर। अब इसमें बोम क्या है, बोम ये है जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, ये एक बोम जिसको हम बोम बोलते हैं, ठीक है, बोम कैलोरी मीटर, जिसको इस कंप्लीट को हम क्या बोलेंगे, बोम कैलोरी मीटर। ये होता है बोम, जिस, जो कि किससे मिलके बना हुआ होता है, ये मिलके बना हुआ होता है स्टील से, ठीक है, स्टील का कंटेनर होता है, स्टील से बना हुआ होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम रिएक्शन मिक्सचर रखते हैं, जैसे कोई स्टेन है, यहाँ पे हमने जो भी हमारा सैंपल है, जिसकी एनर्जी हमें देखनी, जिसका हीट कंटेंट हमें देखना है, वो हम यहाँ पे रख देंगे, एंड पूरी तरीके से सील होता है, इसके अराउंड ये डूबा हुआ है, किसके अंदर, वाटर के अंदर। ये जो बाहर के आप कवरिंग देख रहे हैं, ये क्या है, बाथ टब है, इसके अंदर ये बॉम डूबा हुआ है। तो जब क्या होगा, इसके अंदर जो रिएक्शन मिक्सचर है, जो सैंपल है, इसको कंबशन कराया जाता है, मतलब इसको जलाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन इनलेट है, यहाँ से ऑक्सीजन इसके अंदर जाएगी, प्योर ऑक्सीजन होगी, यहाँ पे इसका कंबशन होगा, यहाँ से फायर की जाएगी, ठीक है, फायरिंग लीड्स है, यहाँ से फायरिंग की जाएगी, एंड देन ये इसका क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बर्न करेगा, जो बर्न करेगा तो हीट क्या होगी, हीट इंक्रीज होगी, ठीक है, हीट यहाँ पे बढ़ेगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा इस कैलोरीमीटर में, मतलब जो बॉम्ब है इसके अंदर, ओके। तो यहाँ पे इसकी हीट कैपेसिटी हम मेजर कर लेंगे, साथ में ये जो वॉल्यूम है ये नॉन वॉल्यूम है, हमें पता है
इसका वॉल्यूम क्या है, तो इसके बेसिस पे क्या करेंगे कि इसकी जब हीट इंक्रीज होगी तो ये जो सिस्टम है ये क्लोज है पूरा, तो इसकी हीट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी। अब इसको आप सिस्टम ही है ये, सराउंडिंग में समझना, क्योंकि इसके अराउंड हमने वाटर रखा है, कंप्लीट एक सिस्टम ही है, ठीक है। तो ये जो भी हीट, अगर यहाँ पे हीट इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो वाटर है वो गर्म हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमने क्या लगाया है, एक थर्मोमीटर लगाया है, उसके थ्रू हम जान लेंगे कि कितना चेंज हुआ, पहले क्या टेम्परेचर था अब कितना हुआ, तो कितना हीट कंटेंट मतलब इसके अंदर है, चेंज हुआ है, तो वो हम देखेंगे। तो ये जो वाटर है ये इसकी हीट कैपेसिटी हमें पता चलेगी, उसके थ्रू हम मेजर करेंगे, टेम्परेचर को मेजर करेंगे, एंड देन हम कैलकुलेट कर पाएंगे इसकी इंटरनल एनर्जी को। ये एक स्टायर लगाया है ताकि इसको इस तरीके से वाटर को स्टायर कर सके एंड इसकी जो हीट है वो हर जगह बराबर हो जाए, समझ पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जब इसको जलाएंगे तो इसमें से, इस सैंपल में से हीट रिलीज होगी, ठीक है, हीट निकलेगी या फिर एब्जॉर्ब होगी, ओके। तो जो भी चेंजेस होंगे वो हम यहाँ पे मेज़र कर सकते हैं, इसके थ्रू मेज़र करेंगे क्या, डेल्टा यू को। तो इसको यूज़ करने का जो पूरा सिस्टम है उसको हम बोलते हैं बोम कैलोरीमीटर, राइट। बोम क्या है, एक स्टील का बना हुआ होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम रिएक्शन मिक्सचर जो भी है सैंपल उसको रखते हैं, उसका कंबशन करते हैं, ओके। तो यहाँ पे इस तरीके से इसकी वैल्यूज़ हम लेते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे आई होप। तो बोम कैलोरीमीटर में हम डेल्टा यू को मेजर करते हैं, जो कि क्लोज होता है, क्लोज वेसल में होता है। ये क्या है, ये ओपन वेसल में होता है जिसमें हम डेल्टा एच को मेजर करते हैं। बहुत सारी जानकारी हो गई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं इनके और फॉर्मूलाज, कि जो अभी हमने एक्सपेरिमेंटली समझा है कि किस तरीके से कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो डेल्टा यू को मेजर कर सकते हैं, कैसे कांस्टेंट प्रेशर होता है तो हम डेल्टा एच को मेजर कर सकते हैं। अब हम इनको डिराइव भी करके देखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम डेल्टा एच एंड डेल्टा यू को मेजर करेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा कंटेंट है, प्लीज इसको अच्छे से देखिए और समझ लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, कौन सा, डेल्टा एच को देख लेते हैं पहले। डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल पी वी, यही होता है, ठीक है, यही है। तो इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू, इसको और खोल लेते हैं अच्छे से, डेल्टा यू प्लस, डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा यू को, डेल्टा यू होता है क्यू प्लस डेल्टा, सॉरी क्यू प्लस डब्ल्यू, यही होता है, प्लस इसको देखते हैं P डेल V, एक बार प्रेशर को हम कांस्टेंट रखेंगे, डेल्टा V इस तरीके से लिख देंगे, प्लस V डेल्टा P, समझ पा रहे हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे, उसका पूरा डिफरेंशिएट करें अच्छे से, ठीक है। तो V को हम कांस्टेंट रखेंगे एंड डेल्टा P को इस तरीके से लिख देंगे। अब और क्या होगा, डेल्टा P डेल्टा V डेल्टा P, ओके। तो ये जो है इसका जो टोटल डिफरेंशिएशन डेल्टा वी डेल्टा पी, तो ये जो टर्म है ये बहुत ही छोटी होती है, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ये नेगलेक्ट कर देंगे। अब देखो यहाँ से हम देखते हैं क्यू डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक है। तो मैं इसको लिख लूँ पी डेल वी माइनस पी डेल वी, तो इसकी जगह मैं ये लिख लेती हूँ, ठीक है, तो ये हो गया क्यू प्लस पी, सॉरी माइनस पी डाल वी प्लस पी डाल वी प्लस वी डाल पी, ओके। अब देखिए ये माइनस की टर्म ये प्लस की टर्म कैंसिल आउट हो गई, बचा क्या हमारे पास, क्या बचा है, क्यू प्लस वी डाल पी। अब यहां पे अच्छे से समझिए, वी डाल पी मतलब कांस्टेंट प्रेशर अगर हम कर दें, If at constant pressure की हम बात करें, जब constant pressure है इसका मतलब dP, small change in pressure zero, कोई change नहीं होगा, मतलब बड़ा change भी zero, del हम बड़े के लिए use करते हैं, delta P is equal to zero, समझ पा रहे हैं। जब constant pressure अगर हम बात करें
कॉन्स्टेंट प्रेशर हो तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगी टर्म, ओके। तो इसका मतलब ये पूरा ही क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, ओके। तो हमारे पास बचा क्या, क्यू, जिसको हम किस पे ले रहे हैं, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे ले रहे हैं, राइट। तो इसको भी क्यू पी लिख लेते हैं एंड डेल्टा एच, ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारी जीरो हो गई पूरी टर्म, समझ रहे हैं। तो हम देख सकते हैं एट कॉन्स्टेंट प्रेशर जो डेल एच है वो क्या होगा, उसके हीट कंटेंट के इक्वल होगी, ओके। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा कि जो हीट कैपेसिटी होती है सीपी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वो क्या होती है, क्यू पी प्लस एन डेल्टा टी, मोलर हीट कैपेसिटी, चलिए मोलर हीट कैपेसिटी या फिर बोल सकते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, ये होती है सीपी। तो यहां से हम क्यूपी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यूपी क्या हो जाएगी, इधर चला जाएगा ये, या फिर इधर चला जाएगा ये क्यूपी इधर, राइट। इसको हम यहाँ लिख लेंगे एंड इसको इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, एन सी पी डेल्टा टी, समझ पा रहे हैं। ये क्या है, एन क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, सी पी मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, राइट। ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, ये हम लिख सकते हैं। अगर हम इसको और डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दें, ठीक है, स्मॉल डी एच, अगर स्मॉल चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, क्यू पी इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू एन सी पी डी टी हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूलाज आ गए, ओके, समझ गए। इससे आपको पता चल गया कि ये क्या हो गया, ये हमने एक तरीके से क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि जो हीट कंटेंट होता है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वो किसके इक्वल है, चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल होता है, ओके, समझ गए इस चीज को, ओके, आप नोट कर लीजिए। अब हम इसी तरीके से देखेंगे कि जो डेल यू है वो वी के इक्वल कैसे होता है, डेल यू, तो डेल यू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उसमें प्रेजेंट हीट कंटेंट प्लस वर्क डन के इक्वल होता है। तो यहां से क्यू की वैल्यू, W की वैल्यू रख देते हैं, माइनस पी एक्सनल डेल्टा V, यही हो जाएगी। अगर हम क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, तो डेल V इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो ये जो टर्म होगी पूरी जीरो हो जाएगी। तो कॉन्स्टेंट V क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल U इज इक्वल टू क्यू, V लगा दो इसके नीचे, क्योंकि हम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, डेल यू इज इक्वल टू क्यू वी, ओके, ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। अब इसी तरीके से हम उसके लिए भी निकाल सकते हैं, हीट क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी हो जाएगा। सेम इसी तरीके से निकाल लेंगे जैसा कि हमने यहाँ पे निकाला, ठीक है, समझ पा रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पे करके बता देती हूँ, जैसे सी वी क्या होता है, क्यू वी अपॉन एन डेल्टा टी, ये होता है। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, इसको इधर भेज देंगे, समझ रहे हैं। तो क्यू वी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। अब ये सी वी क्या है, यहाँ पे सी वी है मोलर हीट कैपेसिटी बोल सकते हो, या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, ओके, एन सी वी डेल्टा टी, ये हो जाएगा। एंड इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, डी यू इज इक्वल टू क्यू वी बाय क्यू वी, ठीक है, एन सी वी डी टी, थोड़ा सा साफ साफ लिख लीजिए आप अच्छे से, ओके, ये फॉर्मूलाज हमारे पास आ गए। तो आई होप आपको इतना समझ में होगा, इससे प्रूव होता है, फर्स्ट लॉ से हमने प्रूव किया है कि जो
डेल्यू है वो एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम जो हीट होगी वो होगा, ठीक है बहुत हो गया ये, बहुत देर से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, आई होप समझ आएंगे। चलिए मैं इसको साफ कर देती हूँ फटाफट। अब हम देख लेते हैं कि इनका रिश्ता क्या है, ठीक है रिलेशन क्या है इनका डेल एच एंड डेल यू का, फिर हम एक साथ ही इनके न्यूमेरिकल करेंगे। ओके सो अब आप हेडिंग डाल लीजिए रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आने वाला है। ठीक है तो हमें पता है कि डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल पीवी, राइट यही देखते आ रहे हैं हम। ओके तो अब आपको पता होना चाहिए कि पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ, ठीक है तो ये हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल एन आर टी। ओके तो इसको हम अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। ओके अब देखिए हम बात किसके लिए कर रहे हैं, ये गैसेस के लिए, फोर गैसेस राइट तो गैसेस के लिए बात कर रहे हैं तो ये क्या है, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स, आर जो कि गैस कांस्टेंट होता है तो इसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन। टी क्या है, टेम्परेचर है, सबको पता है टेम्परेचर इन केल्विन मिलेंगे। ठीक है तो हम किसकी बात कर रहे हैं, गैसेस की बात कर रहे हैं, इसलिए अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस के लिए मैं ऐसे लिख दूँ, जी लगा देती हूँ, ठीक है तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी इज इक्वल टू डेल्टा एच। तो फाइनली हमारे पास ये रिलेशन आ गया डेल्टा एच एंड डेल्टा यू का रिलेशन, जिसमें आप सोच रहे होंगे कि ये डेल्टा एन जी क्या है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ डेल्टा एन जी क्या है, इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे, रिएक्शन लेके फिर क्वेश्चन करेंगे तो इसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अच्छे से समझ में आएगा। डेल्टा एन जी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं प्रोडक्ट के, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, उसमें से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये डेल्टा एन जी। ठीक है इनका डिफरेंस कि किसके मोल ज्यादा हैं, अब देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एन जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ओके अब देखिए हमें थ्री केसेस पढ़ने हैं, ये समझ में आ गया आपको, तो इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, एंड ये फॉर्मूला बहुत आपके काम आने वाला है, ये जो फॉर्मूला है इससे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं डेल्टा एच की वैल्यू फोर कॉन्स्टेंट डायरेक्टली मेजर द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है तो आप इसको नोट कर लीजिए एंड ये आपको याद भी कर लेना है। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं, इसके बेसिस पे इनका रिलेशन किस तरीके से चेंज होगा वो हम देखते हैं, थ्री केसेस हम पढ़ेंगे, ठीक है रिएक्शन लेते हुए मैं आपको समझाऊंगी। देखिए अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो तो क्या होगा, ठीक है यहाँ पे अगर हम डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो से ज़्यादा हो, मतलब 1, 2, 3, 4 जो भी हो वो यहाँ पे रखेंगे तो इनका क्या रिलेशन होगा, अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू लेस देन जीरो हो दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू हो, यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा। ओके एंड डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो, जीरो के इक्वल हो तो क्या होगा, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो जाएंगे, तभी तो इनका डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। ओके
ठीक है, तो अब हम ये 3 केसेस पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बेसिस पे क्वेश्चन भी आते हैं। तो चलिए मैं इसको साफ कर देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। 3 केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं विद रिएक्शन। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट केस की, डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव। इसका मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं वो ज्यादा हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के, तभी तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ओके, इसका मतलब ये हो गया। अब ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग पहले समझते हैं, रिएक्शन नहीं, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं। ये क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ओके, तो अब देखिए अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, कुछ भी है, मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए 1 है, ठीक है, प्लस 1 है, ओके, इसकी वैल्यू, तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं डेल्टा यू प्लस 1 रख दे डेल्टा एन जी की जगह आर टी, तो आप देख सकते हैं कि डेल्टा एच की वैल्यू, इसमें क्या पता चल रहा है आपको कि जो डेल्टा एच है वो ग्रेटर देन डेल्टा यू है। इससे आप क्या समझ सकते हैं इस रिलेशन से कि जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो डेल्टा यू की वैल्यू से ज्यादा है। कैसे, क्योंकि देखिए डेल्टा एच किसके इक्वल है, डेल्टा यू प्लस कुछ भी है इसकी जगह 1 मान लिया हमने आर टी, इसकी वैल्यू को जब इसके साथ एड करेंगे तब इसके इक्वल होगा। इसका मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, समझ पा रहे इस चीज को। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू। ओके, इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए घुमा फिरा के भी क्वेश्चन दे सकता है आपको, कोई रिएक्शन दे दी उसके लिए पूछ लिया, 2-3 ऑप्शन दे दिए। ओके, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन डेल्टा यू, डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू। ओके, तो इस तरीके से आपको 2-3 दे सकता है ऑप्शंस, एंड कोई जैसे मैं आपको दे देती हूँ, जैसे N2O5 NO2 प्लस O2। ओके, इसको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको रिएक्शन देता है बैलेंस नहीं है तो आपको बैलेंस करना है। ओके, तो ये हम बैलेंस कर लेते हैं, ओके 4 4, ओके 10, ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, पहले हमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि क्या आएगी, और वो हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स जो कि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखते हैं आफ्टर बैलेंसिंग, हम जब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखते हैं, आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखते हैं, तो यही क्या हो जाएंगे, इनके नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ओके, जब आप रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं उसके बाद। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि रिएक्टेंट्स की हम बात करें, ये रिएक्टेंट है, इतना समझ में आ रहा है, रिएक्टेंट्स हैं, ये मिलके क्या बना रहे, प्रोडक्ट बना रहे, ये क्या है हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएंगे, ये 2। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे हमारे पास, 4, एंड ये O2, इसके आगे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 तो है। ओके, तो 4 + 5 4 + 1 = 5, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास NP - NR, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 - 2 = प्लस का 3 आएगा, ठीक है, प्लस का 3 आया। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसकी हम यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू, डेल्टा यू प्लस 3 RT। ओके, तो आप बोल सकते हैं कि डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू, कितना बड़ा है जब आप में आपने क्या किया, इसको ऐड किया तब ये इसका इक्वल हुआ है, ठीक है, इसका मतलब इसकी वैल्यू इससे बड़ी होगी, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो ये याद रखिए, जब डेल्टा एन जी क्या है, पॉजिटिव होता है, तो डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू से बड़ी होती है, क्लियर है। अब मान लीजिए आपको ऑप्शन दे दिए, इसमें डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू, अब तो आप बता देंगे क्योंकि मैंने इसको
आपको करके बता दिया, लेकिन इस तरीके से ऑप्शन दे सकता है डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, ठीक है। रिलेशन आपसे, रिलेशन अगर आपसे पूछे तो, एंड फोर्थ मान लीजिए नन ऑफ अबव, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। ये आप किस तरीके से, इस तरीके से आप बता सकते हैं। और भी घुमा के दे सकता है, इनका रिलेशन दे दिया, मतलब कितना बड़ा है, ये हो सकता है कि इस तरीके से पूछ ले कि डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू 3RT इज इक्वल टू 4RT इज इक्वल टू 3R माइनस 3RT इज इक्वल टू माइनस 4RT, ठीक है। इस तरीके से भी पूछ सकता है, जैसे ये आपके पास क्या है, ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से पूछ लिया कि डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू 3RT होगा, मतलब ये आपके पास गिव द रिलेशन ऑफ डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, मतलब कैलकुलेट डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू, ये आपके पास ऑप्शन है 3RT 4RT माइनस 3RT माइनस 4RT, ओके। ये जैसे आपके पास ऑप्शन है तो आपको पता चल जाएगा कि ये होगा, क्योंकि आपके पास क्या है, ये इक्वेशन है, इसमें रखे आप ये वाली इक्वेशन है, कहाँ गई, ये वाली, ठीक है, इसमें रख के आप निकाल सकते हैं आराम से, ओके। देखिए और करते हैं, अच्छे से समझ में आएगा, ये मैं साफ कर रही हूं। एक केस हमने डिस्कस कर लिया, सेकंड केस की अगर हम बात करें, सेकंड केस क्या है, डेल्टा एन जी इज लेस देन जीरो, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नेगेटिव, इनका जो डिफरेंस होगा वो नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसका मतलब ये होगा कि डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू, डेल्टा एच की वैल्यू एंथैल्पी चेंज की वैल्यू इससे कम आने वाली है। तो इसके लिए हम जैसे रिएक्शन लेते हैं, N2 प्लस 3H2 2NH3, ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन है। तो अब आप निकालिए कि इसकी वैल्यू, मतलब ये तो मैंने आपको बता दिया पहले ही कि डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू से कम होगी, तो आप समझेंगे कैसे, इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ओके। हमारे पास क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आरटी, इसका मतलब आपको ये पता करना है डेल्टा एन जी क्या होगा, तो डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, यहां से देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, टू है, ठीक है। आपको रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है, एंड ये कितना है, 3 प्लस 1, ये N2 1, ओके, तो ये हो गए 4 एंड ये हो गए 2, तो 2 माइनस 4, ओके, हमारे पास ओवरऑल कितना है, -2 आ गए नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने आए, 2 आ गए, ठीक है। तो हम यहां पे रख देंगे इसी इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स रख देंगे -2, तो ये हो जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू -2 RT, ओके। अब देखिए कि मतलब डेल्टा एच की वैल्यू इसके इक्वल है, मतलब जब आप डेल्टा यू में से -2 RT करते हैं तब ये इसके इक्वल होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा एच, इसको हम इधर लेके आएंगे, +2 RT इज इक्वल टू डेल्टा यू, ओके, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू इसके इक्वल, डेल्टा यू के इक्वल कब हो रही है, जब हम इसमें ये ऐड करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू, क्लियर है, ओके, नोट करते चलिए फटाफट। अब हम लेते हैं थर्ड केस, ठीक है, थर्ड केस जिसमें हम बात करेंगे डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो कोई पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, दैट मींस डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, ये कब होता है, तो देखिए ये कब होगा, डेल्टा एच एंड डेल्टा यू की वैल्यू कब इक्वल होती है वो हम देखते हैं। तो देखिए इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे H2
प्लस आई टू टू एच आई, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स देखिए, ये हमारे बैलेंस्ड है, ये वन मोल एंड ये कितना है टू है, ओके। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टोटल कितने हो गए, वन प्लस वन टू। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हो गए, टू, ओके। सो डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालेंगे पहले, कितनी हो जाएगी, टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ओके। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, कहाँ गया हमारे इस इक्वेशन में, सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी रखेंगे, जीरो, जीरो आर टी। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो एंथैल्पी की वैल्यू, एंथैल्पी चेंज कब इक्वल होता है, जब डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आए, जीरो आए, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल हो जाए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है इतना। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एस टू प्लस सी एल टू क्या फॉर्म हुआ, टू एच सी एल, ओके। तो ये सेम है बिल्कुल, वन वन ये टू है, तो नंबर ऑफ डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगी, यहां से वन वन टू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हो गए, टू, एंड यहां से प्रोडक्ट के मोल्स भी टू। सो टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस जीरो आर टी, ये हो गया जीरो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं इसी के ऊपर बेस्ड, तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए बहुत सिंपल है, इसको देख के घबराना नहीं है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू क्या पूछ लिया हमसे, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या है, डेल्टा एच एंड डेल्टा यू का रिलेशन। तो ये आपको पता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, ओनली गैसियस मॉलिक्यूल्स की ही हम बात करेंगे, जो गैसियस मोल्स हैं, सॉरी, उनकी ही हम बात कर रहे हैं, ओके। तो ये हमारे पास, हमें पता है, तो हम निकाल सकते हैं इसका रिलेशन। तो इसका रिलेशन हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहां से अगर हम क्या करें, डेल्टा एच माइनस, इसको इधर लेके आए, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास, डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये इसके इक्वल आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ठीक है। तो ये रिलेशन निकालने के लिए हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, इसके फॉर्मेशन के लिए, अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए, कहाँ से, फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, इनके एलिमेंट्स से हमें ये बनाना है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मतलब ये रिएक्शन आपको खुद से लिखनी होगी एग्जाम में अगर आता है तो, ठीक है। तो डेल्टा एन जी निकालेंगे, आर की वैल्यू हमें पता है, टेम्परेचर गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, 25 प्लस 273, 298 केल्विन, ठीक है, ये हो गया। आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। डेल्टा एन जी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ये हमें नहीं पता, ये हमें कब पता चलेगा, जब हम रिएक्शन लिखेंगे। सो एन टू प्लस एच टू, 2NH3, ठीक है, इस तरीके से हमें बैलेंस्ड रिएक्शन लिखनी है। तो कितनी है NR कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 3 प्लस 1, ओके, ये हो गया हमारे पास 4, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हो जाएंगे हमारे पास 2। सो डेल्टा एन जी की वैल्यू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2, अभी निकाली थी हमने, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस 2। तो ये सारी के सारी वैल्यूज हम लिख देते हैं यहाँ पे। सो डेल्टा एच इज माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। सो इसमें क्या करेंगे, अब हम ये वैल्यूज रख देते हैं, डेल्टा एन जी की वैल्यू हमने निकाली माइनस टू इन टू, ये आर की वैल्यू 8.314 एंड टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, 298 केल्विन, ओके। तो ये वैल्यू आप निकाल लेंगे एंड जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, जूल में,
ठीक है। अगर आपसे किलो जूल में पूछा जाता है तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। अगर आपसे पूछा जाता है इन किलो जूल तो आप क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो किस में आंसर आ जाएगा, किलो जूल में। तो ये आप कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल से ये कर लीजिएगा। ठीक है, ये समझ में आया, तो आपको ये याद रखना है। और अगर इस तरीके से मेरे वो लोकेशन आता है तो आपको रिएक्शन खुद से लिखनी है, उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको ये डेल्टा एन जी की वैल्यू, इनका डिफरेंस निकालने के लिए आपको इसकी रिएक्शन लिखनी होगी, नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे। समझ गए इस चीज को। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया है, देखिए ये एनसीईआरटी की जो बुक है उसका 6.5, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। इफ वाटर वेपर इज अज्यूम टू बी ए परफेक्ट गैस, मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन ऑफ वन मोल ऑफ वाटर एट 1 bar एंड 100 degree Celsius इज 41 किलो जूल पर मोल। देखिए क्या गिवन है कि वाटर वेपर दिया गया है, मतलब कोई वाटर है, वाटर क्या होता है, H2, ठीक है। वाटर अज्यूम टू बी ए परफेक्ट गैस, मतलब इसका वेपराइजेशन होता है, और क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर वेपर, मतलब गैसियस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। वाटर कैसा होता है, लिक्विड, इसका वेपराइजेशन हो रहा है, ये किसमें फॉर्म हो गया, गैस में। क्या बोला है, परफेक्ट गैस। मोलर एंथैल्पी फॉर वेपराइजेशन, मोलर एंथैल्पी गिवन है, डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है, एंथैल्पी चेंज कितना है, 41 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट, एंड इसमें जो टेम्परेचर है वो गिवन है 100 degree Celsius, ठीक है। तो इसको हम केल्विन में लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 273 से हम प्लस कर देंगे 373 केल्विन, ओके। और क्या गिवन है, प्रेशर, बट कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ वाटर इज वेपोराइज। ये इसका वन मोल लिया हमने और ये क्या फॉर्म हुआ, ये भी वन मोल ही फॉर्म होगा ऑब्वियसली, ठीक है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो डेल्टा यू की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमें किसको निकालना होगा, डेल्टा एन जी को। इसके लिए आपको ये खुद से लिखनी होगी, ठीक है, ये खुद से लिखनी होगी। इन्होंने बोला है कि जो वाटर है लिक्विड वो वेपराइज होके किसमें गया, गैस में बना है, परफेक्ट गैस, वो परफेक्ट लिखा हुआ है, परफेक्ट गैस। तो इसके लिए आपको डेल्टा एन जी की वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी होगी। तो आप अपने आप से कीजिए पहले डेल्टा एन जी की वैल्यू एन पी माइनस एन आर कीजिए। देखिए यहां पे हो सकता है आपसे गलती हो जाए, क्योंकि देखो यहां पे क्या है, ये रिएक्टेंट के मोल है, वन मोल ऑफ रिएक्टेंट क्या बना है, वन मोल ऑफ प्रोडक्ट के मोल, ठीक है। तो इसमें आपको याद ये रखना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ गैसियस मोल ही लेने हैं, सॉलिड या फिर लिक्विड जो भी होंगे उनके मोल्स हमें इनमें इंक्लूड नहीं करनी है। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहीं पे आप गलती कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, वन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितना है, जीरो, क्योंकि हम इसको लेंगे ही नहीं, लिक्विड है, ओके। सिर्फ और सिर्फ गैसियस ही हमें लेने हैं, तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, वन, ओके। सो डेल्टा एन जी हमारे पास आ गया वन, क्लियर है। अब हमें क्या निकाल लेना है, इसके बेस पे हम निकाल लेंगे डेल्टा यू की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास क्या होती है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। सो हमें किसको कैलकुलेट करना है, इसको, तो हम इसको यहाँ लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको इस साइड में भेज देंगे, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी, ओके। सो डेल्टा एच क्या है, इसकी वैल्यू गिवन है, ये 41 किलो जूल पर मोल, सो 41 किलो जूल पर मोल माइनस डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी की वैल्यू हमारे पास 1 आई है, इंटू आर की वैल्यू 8.314, इंटू टेम्परेचर कितना है, 373 केल्विन, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये आप निकालेंगे, क्योंकि ये हमारे पास जूल में है, ठीक है, 8.314
14 R की वैल्यू हम लिखते हैं 8.314 जूल पर मोल केल्विन, राइट। तो इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किलो जूल में, ठीक है। तो जो आंसर आएगा उसको हम क्या कर देंगे, किलो जूल से, सॉरी 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा इसका आंसर है 37.9। मैंने सॉल्व किया हुआ है इसलिए मैंने लिख दिया, आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक है तो मुझे बता दीजिएगा। 37.9 किलो जूल, यहाँ लिख लेती हूँ, किलो जूल पर मोल, इसमें हमारे पास आंसर आ गया 37.9। समझ गए इस चीज को। अब आपके पास याद रखने वाली बात यह है कि हमें सिर्फ और सिर्फ गैसियस मोल लेने हैं, बिल्कुल भी लिक्विड के मोल नहीं लेने, सॉलिड के मोल भी नहीं लेने, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है किसे, गैसेस से, ओके, क्योंकि डेल्टा एन जी मतलब गैसेस मोल, ठीक है, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, 6.9। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ किलोजूल ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर 60 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 55 डिग्री सेल्सियस। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 24 जूल पर मोल केल्विन। सो आपको कैलकुलेट क्या करना है, हम देख लेते हैं, कैलकुलेट करना है क्यू की वैल्यू, राइट, इन किलो जूल में। एंड गिवन क्या क्या है, गिवन है आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस 35 टू 55 हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब डेल्टा टी की वैल्यू आपको गिवन है, ये फाइनल टेम्परेचर, ये इनिशियल, सो फाइनल माइनस इनिशियल आ जाएगा हमारे पास 55 माइनस 35 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हमें लेना है केल्विन में, सो 273 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 293 केल्विन, ओके। और क्या गिवन है, देखिए मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम गिवन है, सो मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो गई, 24 जूल पर मोल केल्विन, ओके, ये गिवन है। एंड गिवन है एल्यूमिनियम का जो मोलर मास है वो दिया गया है, सॉरी मोलर मास नहीं, इसका मास गिवन है, गिवन मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना है, 60 ग्राम। हमें कैलकुलेट क्यों करना है, आपको फॉर्मूला याद होगा हमने कौन सा फॉर्मूला निकाला था, हीट कैपेसिटी में भी हम इस क्वेश्चन को यूज कर सकते हैं। क्या है हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला, क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है एन क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, यही होता है, यही होता है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। तो हमें कैलकुलेट करना है क्यू, तो क्यू क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एन सी डेल्टा टी, ओके। सो क्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, अब एन हमारे पास गिवन नहीं है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, सो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब जो गिवन मास है वो कितना है हमारे पास, गिवन मास है 60 ग्राम, ठीक है, एंड ये होता है 27 ग्राम, जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का जो मोलर मास होता है, एक मोल का मास वो होता है 27 ग्राम्स, राइट। तो ये हम इसको डिवाइड करेंगे, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो ये आगे इसके मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आगे हमारे पास 60 बाई 27, तो ये हमारे पास है, हम वैल्यूज रख देते हैं, इसकी वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू आपको पता है डेल्टा टी की वैल्यू है, अब आप रख देंगे, सो ये कितने हो जाएंगे, 60 बाई 27 इंटू डेल्टा सी की वैल्यू हमारे पास है 24 जूल पर मोल केल्विन इंटू डेल्टा टी की वैल्यू 293 केल्विन, ओके। अब हमें जो आंसर चाहिए वो किसमें चाहिएगा, किलो जूल में, तो हम क्या करेंगे, देखिए तो इसका जो भी आंसर आए आप कैलकुलेट करके देखेंगे, उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें आंसर किसमें चाहिए, किलो जूल में चाहिए, ठीक है, किलो जूल में चाहिए, इसलिए आप उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे एंड इसको सॉल्व कर लेंगे। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला में आपने रख लिया, सीधा इसका आंसर निकलेगा। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें हम बात करेंगे एंथैल्पी के आगे के जो लेक्चर है, आई थिंक 2 लेक्चर्स और लगेंगे इसमें। सो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा थर्मोडायनेमिक्स #6B,
ये क्या है, थर्मोडायनेमिक हैशटैग 6A, जिसमें हमने एंथैल्पी की शुरुआत की, सारी बेसिक बातें की, कॉन्सेप्ट क्लियर किए एंड न्यूमेरिकल्स किए, फॉर्मूलाज भी डिराइव किए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.